हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल वीला फॉर्च्यून डबल वन डबल वन मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो आज की जो तो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रोडिक्शन होने वाली है और कैंडल वैक्स प्रडिक्शन की मदद से आज हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है आपके जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो जिनसे आप प्यार करते हो जिनके साथ आपका रिश्ता रहा था या अभी भी है उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं देखेंगे आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है वो क्या सोच रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए सब कुछ डिटेल में जानेंगे गाइस ओके okay? सो so, एंड तक बने रहिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस होंगे डेडिकेटेड सॉन्ग रहेगा सब कुछ रहेगा ठीक है स्पेशल चाम्स भी देखेंगे एंजल की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या है तो ज़रूर एंड तक बने रहिए पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज चेम क्रिस्टल्स रेमेडीज़, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे बाथ सॉल्स या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे कि इन नंबर पर इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए ओके सो so, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ओके और सेकेंड चैनल जिसका नेम है मिस्टर सिजम बाई पूबा वहाँ पर भी मैंने क्रश के लिए कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं उसके ऊपर भी मैंने पिकअ कार्ड रीडिंग किया हुआ है आज ही तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सेकेंड चैनल पर जाओ मिस्टर सिजम बाई चैनल पर और जाके देखो ओके सो so, चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी सोच रहे हो जो भी एग्जिस्टिंग थाट्स आपके दिमाग में उसे हटा दीजिए एकदम ब्लैंक स्टेट में आ जाइए फिर हम देखते हैं कि आपके इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए कि उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस फ्लेम पे फोकस करना है आपको ठीक है पहले आप इस फ्लेम को देखिए कुछ सेकंड तक तीस चालीस सेकंड तक थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए फिर आँखों को बंद करें आँखों को बंद करके तीन बार उस इंसान का नाम लें जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो अगर इनकेस आपको नाम नहीं पता तो आप उस इंसान को याद कर सकते हो विजुअलाइज़ कर सकते हो ठीक है आपके ऊपर है मैं आपको टाइम दे रही हूँ जरूर इस चीज़ को कीजिएगा ओके आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके okay. सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं इनके दिल के करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए ना कुछ स्पेशल प्लान करना चाह रहे हैं उनके दिल में कुछ तो ऐसी थॉट्स चल रहे हैं कुछ तो हो रही हो रहा है उनके दिल में कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके लिए कुछ स्पेशल जस्चर्स करने चाहिए या आपको सरप्राइज़ देना चाहिए या आपके लिए डेफिनेटली कुछ एक बड़ा करना चाहिए ठीक है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका दिल कर रहा है आपको सरप्राइज़ देने का और उस सरप्राइज़ को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग में चल रहा है कि ऐसा क्या कर सकते हैं तो उसी चीज़ में उनका ध्यान कहीं ना कहीं लगा हुआ है तो अगर आप सेपरेटेड या नो कॉन्टैक्ट में हो ना तो ये बहुत जल्दी लौट रहे हैं क्योंकि आपको सरप्राइज़ देने का सोच रहे हो सरप्राइज वो तभी देंगे ना जब वो कॉन्टैक्ट में आएंगे आपके साथ ठीक है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस काम कर रहे हैं प्रेजेंट में एंड करली वो दिल से आपको याद कर रहे हैं दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं एंड उन्हें आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कितने प्यारे हो आपके लिए कितना कुछ उन्हें करना चाहिए और कैसे आप दोनों का साथ रहा है कैसे आप दोनों ने अच्छे पल बिताए हैं एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें सारी एनर्जी इस इंसान के दिल में इस वक्त काम कर रही है ठीक है बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटनेस फ़ील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते का ज़रूर भविष्य है और हम दोनों साथ ज़रूर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ पर आपके पर्सन के अंदर से ठीक है नेचुरल वे में बता रही हूँ आपके पर्सन के अंदर से नेगेटिविटी हट रही है मतलब जो भी नेगेटिविटी थी या ब्लॉकेज थी ना जिसके चलते आपके रिश्ते पे मेहनत नहीं करते थे रिश्ते के प्यार को नहीं समझते थे खुद जो आपको प्यार करते उसको नहीं समझते थे तो वो सारी चीज़ें अब इनकी निकल रही है ठीक है तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके बाद से आप समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन के अंदर परिवर्तन आ रहा है और ये एक ऐसा परिवर्तन है जो कि आप दोनों के बीच के रुकावट को एंड ब्लॉकेज को हटाएगा जिसके चलते आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे प्यार है वो उस प्यार के लिए एफ़र्ट भी डालेंगे वो आपके लिए अवेलेबल रहना चाहेंगे ठीक है वो आपके लिए चीज़ें करना चाहेंगे आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे वो बहुत कैजुअली नहीं लेंगे चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे जो अब तक ले रहे थे ठीक है वो हर पल चाहेंगे कि वो एंटरटेन करे आपको आपको प्लीज़ करे आपको खुश करे आपको इम्प्रेस करें ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है तो डेफिनेटली मेजर यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको आपके रिश्ते में मिल रही है क्योंकि ये इंसान गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं जो ये अब तक नहीं थे कहीं ना कहीं ठीक है कहीं ना कहीं अब तक डिनाइल मोड पे रहते थे और प्यार भी करते थे तो बहुत कंफर्टेबल थे कि ठीक है प्यार है बस चलना होगा चल जाएगा बट अब वो समझ रहे समझ समझ रहे हैं कि उन्हें आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए ठीक है सिर्फ प्यार करना इनफ नहीं है बल्कि आपको हर एक पल खुशियाँ देना भी इम्पॉर्टेंट है तो उसी पे उनका दिमाग कहीं ना कहीं लगा हुआ है एंड डेफ़िनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान की प्रायोरिटी अब आपकी खुशियाँ बन चुकी है ठीक है तो उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कैसे क्या करें कि आपको खुश कर दे तो अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात करेंगे आपसे बहुत जल्द कुछ ही घंटों के अंदर भी आपकी बातचीत हो सकती है कुछ घंटों में आप दोनों मिलोगे भी ये भी बहुत कम लोगों के लिए है लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये मिलने आएंगे आपसे ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है कि मैं क्या बताऊँ ठीक है तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे दिख रहा है कि लव फेथ रोमांस एंड एफर्ट्स का मिश्रण इनके दिलो दिमाग में भी चल रहा है रश कर रहा है ठीक है तो उसमें कोई भी दूषित एनर्जी नहीं है ठीक है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई इन्फ्लुएंशियल एनर्जी नहीं है ठीक है ये बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं एंड uh, उसी को लेकर ये इंसान स्ट्रैटेजीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं क्या अच्छा अच्छा चीज़ें यू नो इंक्लूड कर सकते हैं कैसे पैशनेट बना सकते हैं फिर से इस रिश्ते को तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे दिमाग लगा रहे हैं लेकिन इस बार जो दिमाग लगा रहे हैं वो इस रिश्ते के फेवर में लगा रहे हैं ठीक है पहले वो अगेंस्ट भी लगाते थे, थे कहीं ना कहीं बट अब वो उनका दिमाग भी अलाइन हो रहा है धीरे, धीरे धीरे इनके दिल के साथ ठीक है तो इनकी एनर्जी में मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ योर इम्पोर्टेंस इन दियर लाइफ उनको समझ आ रही है कि नहीं आपकी भी एक इम्पोर्टेंस है आपकी वजह से भी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ डेवलप हुआ है बहुत कुछ चेंज हुआ है बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ पाया है उन्होंने ठीक है तो उन्हें सीरियस होना पड़ेगा इस रिश्ते में भी ठीक है उन्हें इस रिश्ते में भी, भी मेहनत करनी होगी जैसे वो बाकी चीज़ों में करते हैं ठीक है थीके? इस रिश्ते को हमेशा कायम रखने के लिए उन्हें हमेशा अवेलेबल रहना होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको वर्थ समझ आ रहा है आपका कि नहीं आप इम्पॉर्टेंट हो आपकी वजह से भी उनके ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं एंड वो ऐसे ही आपको नहीं आ, रख सकते नॉर्मली ठीक है आप लिटरली प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो एंड आप डिज़र्व करते हो कि आपके चाह आपका जो चाहने वाला होगा वो आपके लिए चीज़ों का करे बिकॉज आप भी अनकंडीशनल वे में प्यार कर सकते हो प्यार करना जानते हो प्यार करते हो ठीक है तो ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत 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 ही ज़्यादा दिख रही है तो आपके पर्सन की अभी थाट्स फीलिंग्स कम है बल्कि अभी मन में बेचैनी है आपके लिए एफ़र्ट्स डालने की उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी मुझे मौका मिले जल्दी मैं कुछ करूँ इसके लिए ठीक है इसको खुश करने के लिए इसके चेहरे पे मैं हंसी देखूँ अपनी वजह से तो वो तड़प रहे हैं लिटरली कि यार मैं बाद में सोचूंगा समझूंगा या बाद में सोचूंगी समझूंगी फील करूँगी पहले मैं जो करना चाह रही हूँ इस इंसान की खुशी इस इंसान को खुश करने के लिए वो वो मैं कर पाऊँ वो टास्क में निभा पाऊँ ठीक है तो इस इंसान की दिमागी हालत पर बहुत सारे थॉट्स नहीं चल रहे हैं इमोशनल लेवल पर भी बहुत सारे थॉट्स नहीं है दिमाग बस इसी चीज़ में लग रहा है कि वो कैसे एफर्ट डाल डालकर कैसे आपको सरप्राइज दे सकते हैं कैसे आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं और उस चीज़ के लिए वो तड़प रहे कि कब वो एक्सिक्यूट कर पाएंगे उस चीज़ को कब सच में वो सरप्राइज दे पाएंगे आपको और कब आप दोनों के बीच में वो क्लोजनेस को फिर से फील कर पाएंगे जो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं प्रेजेंट में ठीक है तो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है तो आपके पर्सन बहुत 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 प्यार में पॉजिटिव वे में फील कर रहे हैं आपको याद कर रहे हैं आपको ठीक है बिल्कुल भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स इनके तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रही है आपके ठीक थी, है बहुत अच्छा महसूस करे इंसान सो so, अगर आप टेंशन में हो आपको दुख लग रहा है या आप एंशियस हो तो आप भी अपने वाइब्रेशन को बढ़ाओ ठीक है आप भी इस प्यार पे बिलीव करो या आप भी अपने फीलिंग्स को अच्छा रखो एटलीस्ट अगर आप बिलीव नहीं भी करना चाहते हो रिश्ते में ठीक है आप अपने प्यार जो है आपके दिल में जो इमोशंस हैं उसको साफ रखो बस ठीक है तो वाइब्रेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि चीज़ें जो आपके पर्सन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अगर आप भी उन्हें प्यार करते हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल वे में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा पाओ ठीक है और कोई ब्लॉकेज ना रहे और कोई दूरिया ना रहे ठीक है क्योंकि ये इंसान रेडी है मुझे तो वही दिख रहा है ठीक है so, सो ये उनके करंट फीलिंग्स है स्कैंडल को साइड में कर दूंगी मेल्ट होने दूंगी पूरा चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, चलिए वी हैव आई फील एम टी विदाउट मी आई फील एम टी विदाउट यू आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन तो इनको लेसन मिल चुका है ऑलमोस्ट सीख भी गए हैं एंड अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है योर स्माइल इज लिटरली दी क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन माई लाइफ ई एस डेफिनेटली आपको खुश करना चाहते हैं आपके स्माइल को देखने के देखने के लिए तड़प रहे हैं मिस कर रहे हैं आपके स्माइल को ठीक है वी हैव फिर मोहब्बत ये चैनल सॉन्ग है इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा इस सॉन्ग में कुछ और भी मैसेज होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली देना चाहते होंगे फिर मोहब्बत सर्च कीजिएगा तो आपको ये सॉन्ग मिल जाएगा दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू ठीक है आई लव यू voice सो मच कैन यू सिंग फॉर मी बेब तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी म्यूजिक की एनर्जी भी आ रही है तो अगर आप लोग अभी सेपरेटेड हो तो म्यूज़िक के थ्रू आप लोग फिर से रिकनेक्ट करोगे बहुत ही जल्द विदिन फ्यू आवर्स और इवन विद इन फ्यू डेज ओके मेरी सपनों के रानी या राजा हो तुम डेफिनेटली वन टू गो टू अ ट्रिप विद यू सून ट्रिप पे जाने का कॉलर टाइम स्पेंड करने का ठीक है फिर आपको पाकर रहने का इन्हें बहुत मन कर रहा है जहाँ पे बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो बीच में कोई लोग ना हो आई एम ओनली योर्स बेबी वो सिर्फ आपके हैं आपको कन्फर्मेशन एश्योरेंस देना चाहते हैं कि वो आपको लेकर ही सोचते हैं माई बेबी आपको बहुत ज़्यादा कडल करना चाहते हैं प्यार करना चाहते हैं हक करना चाहते हैं यू हैव हर्ट हर्पी लाइक एनी थिंग ठीक है बट ये या, आ, इस चीज़ को भी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें दुख दिया है ठीक है तो अब वो रेडी हैं सब कुछ बदलने के लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए आई वॉन्ट टू रीड आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस आई कॉन्ट एक्सप्रेस तो अब तक वो अगर चुप थे बात नहीं कर रहे थे मैसेज कॉल नहीं कर रहे थे तो वो इसी वजह से नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि आपके तरफ से उन्हें अटेंशन मिले बट हो सकता है उतना अटेंशन आपने उन्हें दिया नहीं है तो अब वो रेडी है कि कोई भी माइंड गेम्स वो ना खेले और डायरेक्ट आपको रीच आउट करें माई एवरी थिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड तो डेफिनेटली आपको री बार बार देना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके हैं और आपके होकर ही रहेंगे यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी उन्हें एक बात तो समझ आ चुकी है कि आप दोनों बने ही हों एक दूसरे के लिए तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन होने का कोई मतलब नहीं है आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू डू यू तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में जाग रही है एटीन प्लस फीलिंग्स इनके मन में आ रही है ठीक है यहाँ पर भी देख लीजिए आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज ठीक है तो समझदार को इशारा काफ़ी है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स एकदम अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके टू सो so गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ है लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप इस एनर्जाइज बात सॉल्व को यूज़ कर सकते हो अपने बाथ रूटीन में इसे अगर आप अपने नहाने के रूटीन में यूज़ कर सकते हो करते हो तो लव लाइफ से जुड़े हुए सारे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो और जो भी लव लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो और आ, साथ में जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं जैसे फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ इन लॉज के साथ लवर के साथ हस्बैंड हस्बैंया वाइफ के साथ वो और भी ज़्यादा गहरा होता है ठीक है तो इसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते आपके personal details and wishes हो आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होकर आप तक पहुँचती है आप गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हो ठीक है तो ये एक लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट है एंड दूसरा वेरियंट है अबंडेंस एंड करियर मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट दो बाथ सॉल्ट के वेरियंट्स अभी अवेलेबल है ठीक है ये तो अबंडेंस एंड ये करियर वाला तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इस लिटरली बिकॉज अभी भी आ, कुछ और मतलब कुछ क्लाइंट्स तक पहुंचना बाकी है मैंने उनको बोला भी है कि भी आउट ऑफ स्टॉक है जैसे ही री होगा मैं आप सेंड करूंगी बिकॉज इसके इतने ज़्यादा करियर रिलेटेड बात सॉल की इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे कि मैं क्या बताऊं ठीक है तो अभी भी कुछ लोग जिन्होंने इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ही बुक करा था उनको भी दो तीन लोगों को मिला नहीं है अभी तक ठीक है जब क्योंकि री होने का वेटिंग चल रहा है उनका भी और इसके भी बुकिंग्स बहुत सारी हो रही है ये अभी स्टॉक में अवेलेबल है तो अगर आपको चाहिए आप दोनों में से कोई भी बुकिंग्स करवा सकते हो सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय बाय